हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जैसे कि हम आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताते आ रहे हैं अभी तक, तो उस पर लेके आप मुनाफा अभी तक कमाते आ रहे हैं, तो अभी व्यूअर्स की डिमांड पर हमने एक स्टॉक भी हम ऐड कर रहे हैं कि डेली हम एक स्टॉक भी दिया करेंगे जो कि इंट्राडे के लिए भी हो सकता है या स्विंग ट्रेड के लिए भी हो सकता है, यानी कि आप हफ्ता या 15 दिन के लिए भी सकते हैं या कोई लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हमें स्क्रीन हो पाता है स्टॉक, तो वो स्टॉक भी हम आज आपको बताने वाले हैं इस सीरीज में, तो वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज यानी 15 अप्रैल को निफ्टी ओपन हुआ 9196 पर। जो पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी की 8994 थी, यानी उससे 200 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ आज। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर 9130 के लेवल को निफ्टी होल्ड करता है तो देन 9250 एंड देन 9450 के लेवल भी होल्ड करता है तो 9400 तक के लेवल आपको निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आज निफ्टी ने 9130 का लेवल तो होल्ड किया, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आप देखेंगे चार्ट को तो कुछ टाइम के लिए उस लेवल को उसने तोड़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी की जो चार्ट था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसीलिए निफ्टी ने 9261 का हाई लगाया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और फाइनली निफ्टी ने 8874 का लो लगाते हुए फाइनली निफ्टी ने 8925 की क्लोजिंग दी। तो आज निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं कल की। हमारा कल के लिए भी व्यू यही है, अगर आप 9130 का लेवल निफ्टी तोड़ता है और सस्टेन करता है एक घंटे से ज्यादा तो ही 9250 और फिर उसको 9250 को भी होल्ड करता है तो 9400 तक के लेवल हम निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि अब इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को। अब हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे और नीचे में हमारा टारगेट 8900 से 8700 तक का हो सकता है। हमारे व्यू अब उछाल पे बिकवाली का है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि पिछले दिन बैंक निफ्टी 19488 पर क्लोज हुआ था जो कि आज 20096 पर यानी 20096 के लेवल पर खुला था, तो करीब 600 पॉइंट के ऊपर खुला था, 500 पॉइंट। और हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 20300 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि अगर वो क्रॉस करता है तो ही 20900 या फिर 21500 तक के लेवल देख सकते हैं। बट आज बैंक निफ्टी ने अपना 20178 का ही हाई बनाया, यानी 20300 का लेवल भी टच नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 18776 तक का लेवल अपना बनाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 19000 से थोड़ा ऊपर 19057 पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम कल के बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा लेवल अभी भी वही है 20300, यानी 20300 एक बहुत ही निर्णायक लेवल है। अगर 20300 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी और सस्टेन करेगा तभी हम 20900 से 21500 तक के लेवल देख सकते हैं, अदरवाइज हमारी सलाह अब हर उछाल पर बिकवाली की है। तो इसलिए नीचे में हम 19900 से लेकर 18400 तक के लेवल कल देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमने आपको बताया अभी कि एक स्टॉक हम लेने जा रहे हैं जो आपको हम रिकमेंड करने जा रहे हैं। स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL। इसका आज का भाव करीब 81 रुपए है, तो इस स्टॉक को आप 80 से 81 रुपए की रेंज में आपको मिलता है तो आप खरीद सकते हैं। हमारे टारगेट प्राइस 90 से 91 रुपए के हैं जो कि करीब 11 से 13% की अपसाइड इस भाव पर देते हैं, जो कि 15 से 30 दिन के पीरियड में आपको मिल सकते हैं। आपको इसके लिए लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना होगा 75.9 रुपीज का, यानी 76 रुपए से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप स्टॉक को सेल करके निकल जाएं और अपना लॉस बुक करें, लेकिन आप प्रॉफिट के लिए आपको 11 से 13% का मुनाफा हो सकता है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि स्टॉक ने मंथली चार्ट पर एक रिवर्सल का पैटर्न बनाया है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जो स्टॉक की वीकली RSI है वो ओवरसोल्ड के टेरिटरी में थी, वो ओवरसोल्ड से अब उसमें भी रिवर्सल दिखने लगा है। तो ये हमारे टेक्निकल्स हैं जिनकी वजह से हम इस स्टॉक को आज रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी अगर आपके किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घर में रहें, स्वस्थ रहें, मुनाफा कमाते रहें। थैंक यू।